पहला तो सबसे पहला है कि शादी से पहले लोग कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जानना है। लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है शादी से पहले साथ में रहना और जानना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है। कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। तो आप इंसान हैं या कुत्ता हैं? यदि आप इंसान हैं तो धर्म के अनुसार रहेंगे। भाई धर्म नाम की कोई चीज है? हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। यदि हमने आपको स्पर्श किया तो ये भी पाप है। आपने हमें स्पर्श किया तो ये आपके पातिव्रत धर्म के लिए पाप है। माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे कि भिक्षा दे दो माता। माता अनुसुईया ने कहा ले लो भिक्षा। बोले नहीं, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आप पहले अपने सारे कपड़े उतारो, आप निर्वस्त्र हो जाइए, फिर आप हमें भिक्षा दीजिए। तो माता अनुसुईया ने कहा कि यदि मेरे निर्वस्त्र शरीर को कोई पर पुरुष देखेगा तो मेरा तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अंदर से जल लिया अपने पति के कमंडल से और हाथ में लेकर बोला कि हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन जाएं। जल छोड़ते ही ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। फिर गोद में लेकर अपना दूध पिलाया माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये मर्यादा है, ये धर्म है कि हम पत्नी हैं तो हम पर पुरुष का स्पर्श ना करें, करें तो पिता के भाव से, भाई के भाव से और पुत्र के भाव से। कुछ हम पुरुष हैं तो हम पराई स्त्री का स्पर्श करें तो माँ के, आप मेरी बहन हो सकती हैं, मैं आपको बहन के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन आपको, आपको माँ के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपको बेटी के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपके सिर पर हाथ रख सकता हूँ, लेकिन आपको किसी और गलत भावना गलत दृष्टि से देखना ये मेरा पाप होगा। आप भी किसी पुरुष को देखेंगी वो आपका पाप होगा। और आप तो कह रही हैं साथ में रहो, कुछ लोग तो कहते हैं पहले बच्चा पैदा कर लो बाद में शादी करना, आजकल ये भी चलन है। इसीलिए ये सवाल, क्योंकि जनता के सवाल होते हैं इसीलिए मैंने पूछा। बहुत सारे लोग सवाल, देखो ये जानवर वाला कल्चर है, हम इंसान मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म, धर्म के हिसाब से रिश्ते होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं लिव इन में रहना, ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। आजकल इंसान इंसान रहा कहाँ, जानवर तो हो गया। अब जो आप बातें कर रहे हैं जिसका समर्थक ये बच्चे करेंगे वो जानवर बुद्धि वाले हैं, और उन जानवरों से फिर हम क्या बात करें? आप बताइए, जो इसको सपोर्ट करता हो उनसे क्या बात करें? बात करने का भी एक लेवल होता है, किस व्यक्ति से बात करें। अब इन मूर्खों से जो कहें कि नहीं जी हम तो शादी के पहले रहेंगे, भैया रहो, कुत्ता बिल्ली की तरह तुम्हें पसंद रहो। ये अमेरिकन पश्चिमी कल्चर है, अमेरिका में ऐसे ही होता है, लंदन में ऐसे ही होता है। एक्चुअली भारत, अब भारत रहा कहाँ? अब भारत को ना होड़ लगी है कि हम भी अमेरिका की तरह बने ना। भारत कभी अमेरिका नहीं बन सकता, अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहां ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है ऐसे वहां का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहां की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है ना, माता का पिता का, लेकिन वहां अमेरिका लंदन के जो वहां का आधार कार्ड है वहां का सरकारी, उसमें बाप का नाम नहीं होता। आपको पता है ये बात नहीं? वहां बाप का नाम नहीं होता, क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। शादी 18 साल की लड़की होती है, फरार हो जाती है अपने घर से, दो महीने इसके साथ, दो महीने इसके साथ, दो महीने इसके साथ, ऐसे वो लड़कों के साथ गुजारती है, कमाती खाती, आज लड़का इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, अब ऐसे में वो प्रेग्नेंट होगी, पता ही नहीं चला कि किसका बच्चा है। इसलिए वहां आधार कार्ड में बाप का नाम है ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में। इसलिए तो कहा डार्विन ने कि हम बंदर की संतान है, क्योंकि उनके बापों का पता ही नहीं, तो वो कहेंगे बंदर है, हम तो ऋषियों की संतान है ना, हम तो ऋषियों की संतान है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.